कैसे हो आप सब? बहुत ही बढ़िया। चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। चलो इधर रुको ना, देवान सिंह गिफ्ट खोलते हैं, ठीक है ना? दोस्तों आज ना मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत दिन है, क्योंकि मैं देवांशी के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लेकर के आया हूँ, जो मेरा सपना था। जब मैं सोचता था ना कि मेरी प्यारी सी बेटी होगी तो मैं उसको किचन सेट दूंगा, डॉल दूंगा, गुड़िया दूंगा, तो वो दिन अभी आ गया है। तो कहते हैं ना सपनों को जीना, तो हाँ। सपनों को मैं जी रहा हूँ। अभी मैं नींबू मिर्ची और लहसुन का अचार बना रही हूँ, और मैं ना बहुत एक्साइटेड हूँ इस गिफ्ट को देखने के लिए, क्योंकि ये मेरी गैर मौजूदगी में लाया गया है। My sweetheart Devansi from प्यारे पापा। wow, wow. क्या हो गया इसमें बाबू? Wow, wow. मुझको भी चाहिए। Wow. Yay. इसमें चाय बनेगी? हाँ। खाना भी? देवांशी ना अभी सो करके उठी थी, इसीलिए ना वो कुछ रिएक्शन नहीं दे रही है, वरना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। अभी बाद में पता चलेगा, उससे ज़्यादा खुश तो रुद्रांश हो रहा है। देवांशी खाना बना रही है। आ, गरम हो गया खाना। निकालो सब्जी, निकालो। पहले ये पानी ले लिया। तरी है वो। तरी। तो इन दोनों की कुकिंग तो चलती रहेगी, हम जरा अचार के ऊपर देखी क्या बन रहा है। आज मैं मिर्ची का अचार बना रही हूँ, और मैंने ना अचार का रेडीमेड मसाला ला रखा था, वो मैंने मिर्ची में मिला दिया है, और इसके साथ साथ मैं नींबू और लहसुन भी मिला रही हूँ इसके साथ। पहला दिन दीवान से उधर को चले जाओ। हाँ, आप आंखों में आएगा। हाँ बाबू, मैंने कहा उधर को हो जाओ। डैडी, इसको देख के लग रहा है अभी खा जाऊं। मुझको भी देखना। मिर्ची के अंदर हमने अचार का मसाला भर दिया है, और लहसुन भी। रुदुनो, हमने कड़वे तेल को गर्म करके ठंडा कर दिया है, अब स्मेल नहीं आएगी कड़वे तेल की। इसको तो कर दे, डाल देता अंदर तो चले जाने। इस बचे हुए अचार को हम इस कांच की बोतल में रख रहे हैं, और बाद में एक बड़ी कांच की बोतल ले आएंगे। दोस्तों राशि आराम ऐसे करती है, दोनों हाथों को उलझा देती है। मुझे भी बहुत नींद आ रही है, इसीलिए मैं ये ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ, ताकि ज़रा नींद कम आए, है ना? कैप्टन भी आराम कर रहा है अभी। अपना फोन दे। मैं बोल रही हूँ इनको, मैंने इनको कब से बोल रही हूँ कि मेले में जाते हैं और चरखी में बिठाना मुझे। हाँ। लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं तो घूम जाएगी। और मैं तो जितना भी घूमूंगी मेरे हस्बैंड नीचे से खुद ही घूम जाएंगे। बीबी को घूमते देख के जाए क्या? देखते हैं। अरे जय माता दी, बोलो जोर से बोलो। बुला उसको। दोस्तों आज है नया दिन, कल मैंने अचार बनाया था, तो मैंने अचार को ना धूप में रखा है, इसको बनने में अभी टाइम लगेगा। आज है दशहरा, और आप सभी को हमारी तरफ से दशहरे की, विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भी बोलो। आप सबको दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ।
हेलो, क्या कर रहे हो? हेलो कैप्टन, उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई, आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। दोस्तों, आपके लिए, मेरी पूरी YouTube फैमिली के लिए एक खूबसूरत सा गाना स्वरूप पांडे की आवाज में, बहुत ही खूबसूरत। चिंगारिया ये जो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा देख हवा बन जाऊं मैं अगन, दहक रहा है बन के शरारा, देख मेरा बदन सब कुछ मेरा करके फना, करता हूँ मैं हवन। ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः, नमः नमः। ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः, नमः नमः। महसूस खुद को मैंने किया जब तू देवा, ओम देवा देवा नमः, नमः नमः। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, मेले में इतनी घमासान भीड़ थी ना, उसका सबूत मेरा टूटा हुआ चप्पल है। पूरी मेले में ना मैं टूटे हुए चप्पल में घूम रहा था। ये देखो दोस्तों, जिस लड़की ने मेरा चप्पल तोड़ा ना, मैंने कहा बहन दूसरा भी तोड़ दे, हंसने लग गई वो। मैंने इनको बोला कि जूते पहन के जाओ, इन्होंने कहा कि चप्पल इज बेस्ट। तो जब इनकी चप्पल टूटी ना, मैंने कहा अब सही से करो रेस्ट। चलो। और मैंने क्या कहा पता है पापा को? क्या? मैंने कहा कि गन्ने का जूस ही पिला दो। कैप्टन, हैंडशेक। हम लोग मेले में घूमने जा रखे थे, हमने ना वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया, तो अभी हम लोग ना घर में डिनर कर रहे हैं। आज बनी है लौकी की सब्जी और मेरे हस्बैंड ने ना चाप मंगा रखी है। मुझको भी खाने का है चाप और रोटी है भाई। ठीक है, खा ली। चलो खाना खाई। मम्मी मुझको ये चाहिए। ठीक है ठीक है, वो सब्जी भी खाएगा ना? नहीं, अगर सब्जी खाएगा तो दूंगा बस। वरना नहीं, वरना नहीं। रुदू रुदू, पता क्या, सब्जी भी है चाप भी है, इतनी बड़ी रोटी भी। चलो कैप्टन, कैप्टन भी ना फनी तरीके से खाते हैं। देवांशी क्या कर रही हो? मत करो पापा। दोस्तों, अभी हम ब्लॉग एंड ही कर रहे थे कि अभी जस्ट राशि को नोटिस हुआ है कि उसके गले में ना मंगलसूत्र नहीं है और सोने का था वो गायब। मंगलसूत्र यार सोने का था वो, अब राशि ना थोड़ा सा जो पहनते हैं गले में अपसेट हो गई है। दोस्तों, आज मेले में ना मेरे साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। जब मैं घर आई तो मैंने जब शीशा देखा तो मेरे गले में ना मंगलसूत्र नहीं था और मैं ना बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई। मैंने इनको बोला कि वीडियो चेक करना और देखना कहाँ तक मेरा मंगलसूत्र था और कहाँ से गायब हुआ। तो जब रुद्रांश ना मिक्की माउस वाला स्लाइड खेल रहा था ना, वहाँ से गायब हो गया था मेरा मंगलसूत्र। उससे पहले ना हम लोग बहुत सारे सब्सक्राइबर से भी मिले थे और इधर उधर घूमे भी थे, तब तक मेरे गले में ना मंगलसूत्र था, लेकिन जैसे हम मिक्की माउस वाले स्लाइड के सामने गए ना, उसके बाद गायब हो गया। लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वो किसी ने चुराया है या कहीं गिरा है, कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन वो गोल्ड का था और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। मैंने ना वो इतनी मेहनत से बनाया था अपने लिए।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मतलब अगर किसी ने चुराया है या कहीं गिरा है, बिल्कुल भी पता नहीं चला। नहीं, किसी ने खिसका दिया हो। लेकिन कोई बात नहीं, चलो मैंने बहुत मेहनत से बनाया था। आप लोग बोल रहे होंगे, कई लोग बोल रहे होंगे कि हम ना जानबूझ के बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ये सब मत बोल, नहीं जानबूझ के किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है हमारे साथ कि हम ये जानबूझ के बोले, और ना ही हम जिंदगी में ऐसे कभी कुछ खुद से क्रिएट करेंगे। लेकिन मैंने वो बहुत मेहनत से बनाया था अपने लिए। मैंने सोचा कि हम आर्टिफिशियल बार बार लेते हैं, वो टूट जाते हैं, तो इसीलिए मैंने असली बना दिया था सोने का। तो चलो कोई बात नहीं, आज उसका लास्ट दिन था तो क्या कर सकते। चलो सो मुझे लगता है कि वहीं पर किसी ने किसकाया जहाँ पर राशि टिकट ले रही थी ना, और इधर उधर मतलब भीड़ बहुत ज्यादा हो रखी थी वहां पर, बहुत ज्यादा। दोस्तों, मेरी मम्मी शेड शेड हो रखी है, और अब पापा मम्मी को हटाएंगे। हाँ, क्या हो गया मम्मी के साथ? मंगल चोरी हो गई। मुझे ना अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि हमारे साथ ये ऐसा मतलब बार बार क्यों हो रहा है। पहले मेरा आईफोन बस में गायब हो गया था, और दोस्तों जो मेरा आईफोन चोरी वाला वीडियो है ना, आप दोबारा से देखना उसको। उसमें मैंने अभी एक चीज़ नोटिस करी है, मुझे कुछ कमेंट भी आए, और इतने सारे कमेंट अच्छे अच्छे भी आए, लेकिन कुछ लोगों ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ नोटिस करी है जो मेरी पूरी फैमिली ने करी है। जब मेरा फ़ोन गायब होता है ना, तो मैंने अपने बैग में चेक किया, मुझे नहीं मिला। उसके बाद मैंने पापा को बोला कि पापा एक जल्दी से कॉल करो। पापा ने कॉल किया तो घंटी बजी, मैं खुश हुआ। मैंने बैग को चेक किया, मुझे बैग में नहीं मिला। लेकिन उसके बाद ना मेरा फ़ोन साइलेंट हो गया। तो मेरा जो आईफोन है ना, अगर मेरे आईफोन में आप कोई भी बटन दबाओगे किसी भी आईफोन में, तो वो साइलेंट हो जाता है, उसके बाद घंटी नहीं बजती है। ऐसा ही हुआ। और आप नोटिस करना कि जब हम लोग मोबाइल ढूंढ रहे हैं ना सारे बस में, तो मेरी सीट से ना मेरा बैग गायब है मेरी सीट से। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, किसी पे शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। हमको सतर्क रहना है, हमको अवेयर रहना है, और क्या था, ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने अपना फ़ोन बैग में रखा होगा, मुझे बिल्कुल याद नहीं, क्योंकि मैं ना नॉर्मली अपना फ़ोन जेब में रखता हूँ, बैग में बिल्कुल नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे स्क्रैच पड़ने का डर होता है। मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आए थे, और कुछ कमेंट ऐसे थे कि आप तो वीडियो बना रहे थे, ये बना रहे थे, वो बना रहे थे, लेकिन भाई मेरा काम ही ये है। और GoPro मेरा ऑन इसीलिए था क्योंकि बाहर ना कोई मुझसे बातें करने लग गया था, और बातों बातों में मैं ऐसे ही मतलब उलझ गया था कि मेरा जो GoPro था ना, वो मैंने उसको बंद करना भूल गया। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, तो मैं बाकी वीडियोज़ को शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि ना मेरा GoPro ऑन रहता है और काफ़ी लंबा बन जाता है वीडियो। लेकिन उस दिन मैंने शेयर किया, क्योंकि उस दिन शेयर करने वाली चीज़ थी। और यहाँ पर मैं किसी पे इल्ज़ाम कुछ नहीं लगा रहा हूँ, कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, बस वही है। कोई नहीं, दूसरा मंगलसूत्र जल्द बनेगा है ना, कोई बात नहीं, उससे भी बढ़िया मंगलसूत्र बनेगा। लेकिन वो मैंने बहुत प्यार से बनाया था अपने लिए। अच्छा, असली मंगलसूत्र तो मैं दोस्तों माहौल ऐसा हो गया कि गर्मी भी होने लग गई है, बट कोई नहीं यार, हो गया हमारे साथ ही। चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखना, आपको कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, लव यू, सो जाओ रे।